शारदा पारा भैरव बस्ती शिव मंदिर के पीछे कैंप टू निवासरत जैतराम टंडन बीते 2 महीनों से अपने घर से लापता हैं। इनकी धर्मपत्नी कुलेश्वरी बाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट छावनी थाने में 14 सितंबर को दर्ज करा दी थी। बावजूद इसके जैतराम का अब तक पता नहीं चल सका है। राजमिस्त्री का कार्य करने वाला शारदा पारा भैरव बस्ती शिव मंदिर के पीछे कैंप 2 में निवासरत बुजुर्ग जैतराम टंडन बीते 2 माह से घर से लापता है। इनकी गुमशुदगी के बाद से पत्नी कुलेश्वरी बाई और बेटियों का रो रोकर बुरा हाल है। इनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों द्वारा 14 सितंबर 2022 को छावनी थाने में दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस अब तक बुजुर्ग को तलाश नहीं कर सकी है, जिससे पत्नी और बेटियों का बुरा हाल हो चुका है। वे सभी रिश्तेदारों के यहाँ जैतराम की तलाश कर अब निराश हो चुके हैं। इन्हें लगातार निराशा ही हाथ लग रही है। पत्नी कुलेश्वरी बाई और पड़ोसियों ने जैतराम की गुमशुदगी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। मोर आदमी गुम हो गए हैं, मिलत नहीं है, ढूंढत हम बहुत। 12 तारीख के 12 बजे टाइम में छावनी थाना में दे दे हम, रिपोर्ट लिखा दे हम, कुछ नहीं करत रिपोर्ट में। थाना वाला है जाता तो तुम ढूंढो गई थे। कुछ झगड़ा होके गया क्या? ऐसी झगड़ा नहीं हुआ है, ऐसी चले गए हमें। मैं कहा था कि ढूंढ के कोई मिलेगा तो छावनी थाना में लान के कृपा करेगा। मेरा नाम सरिता चौधरी और मैं इनकी लड़की की फ्रेंड हूँ। और इनके घर में यही इनके हस्बैंड कमाने वाले थे, तो अचानक ही मतलब 12 तारीख को निकल गए 12-1 बजे से। और ये बेचारी बहुत परेशान है, तो छावनी थाना में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन इसके पीछे उस लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मैं यही विनती करती हूँ कि बेचारी के पति को कहीं से ढूंढ के लाया जाए। ये बेचारी थाने में जाके परेशान है, प्लस थाने वाले इनकी कोई बात सुन नहीं रहे हैं। ये बेचारी को वहाँ से मतलब बोल देते हैं कि खुद ही ढूंढ के लाओ, तो ये बूढ़ी बेचारी कहाँ से ढूंढ के लाएगी? अकेले इंसान परेशान है। मैं आप लोग से दुआ करती हूँ कि इनके पति को ढूंढ के लाओ और उनकी मदद करो। हाँ सर, मैं इनके पड़ोसी हूँ, मेरे सामने की बात है। 1-1.5 महीने हो गया, गुम हो गए हैं, कहीं उनका तो पता नहीं है। मैं और खोज करके वो परेशान हुई है। सियान आदमी कहाँ खोजेगी? कोई कमाने वाला नहीं, खिलाने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। रिपोर्ट कर दी है, कहीं आता पता नहीं है। जाने पर बोलते हैं कि तुम खुद जाओ, खोज के लेकर के आओ, कहाँ जाएगी वो। बहरहाल पुलिस लापता जैतराम की खोजबीन में लगी हुई है। वहीं जैतराम की वृद्ध पत्नी कुलेश्वरी दरवाजे पर टकटकी लगाए अपने पति के आने के इंतजार में दिन भर बैठे रहती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।